शेणाला दोहा नंबर 8 इन जुत विषय में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित यो मिथ्या का निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। इसकी पहली पंक्ति में चर्चा हो चुकी है। इन जुत माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषय में जो प्रवर्त जो पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है ताको जानो मिथ्या चरित्र उसको मिथ्या चरित्र जानो मैंने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चरित्र। अकेले विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चरित्र नहीं, उसका नाम क्या है? असंयम। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान सहित विषयों की प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चरित्र। सबकी चर्चा कर चुके हैं मिथ्या चरित्र के स्थान। अब देखो आगे यो मिथ्या का दिन सर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते। यो मिथ्या का दिन निसर्ग, ये जो मिथ्यात्व का वर्णन किया मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का, ये निसर्ग है, नैसर्गिक है, नैसर्गिक सौंदर्य है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, अकृत्रिम, बिना बनाया, बिना बनाया हुआ, बना बनाया हुआ। अकृत्रिम माने किसी ने उसकी रचना नहीं की, नया नहीं है, पुराना सौंदर्य है, बिना किसी का बनाया हुआ अपने आप से, अनटच्ड, किसी ने टच नहीं किया, ऐसा सौंदर्य है। नैसर्गिक माने स्वभाव से, कोई नहीं ना, इनका सौंदर्य नैसर्गिक माने इन्होंने कोई थोप नहीं रखा अपने ऊपर, बिना उसके ही स्वभाव से सुंदरता है, ऊपर से कोई नई चीज चौपड़ी नहीं है, बिना चौपड़ी सुंदर है। तो ऐसे ही जो बिना किसी के उपदेश के अपने आप से ही है, किसी से सीखा नहीं है, नया ग्रहण नहीं किया है, जो अनादि से चला आ रहा है बिना सिखाए, उसको क्या कहते हैं? अग्रही, नैसर्गिक मिथ्या। निसर्ग माने स्वभाव से ही, बिना किसी के सिखाए, जो अपने आप ही अनादि काल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है वो है अग्रही मिथ्या। तो उसका वर्णन तो अब तक हो चुका, अभी तक अपने उसी का वर्णन किया, इसका अग्रही मिथ्या दर्शन किया चाहिए। अब जे ग्रहित, अब जो ग्रहित है माने जो हमने नया आके यहाँ ग्रहण किया है, सुन ये सुते, अब उनको तुम सुनो, ते माने उनको, उनका वर्णन अब करते हैं और अब तुम उनका ध्यान लगा के चित लगा के उनका वर्णन सुनो। अब जे ग्रहित, अब जो ग्रहित है सुनिए उनको सुनो सुते, ते माने उनका। अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है उसका वर्णन तुम कान लगा के सुनो। किसका सुन? अभी तक किसका कर लिया? अग्रहित। अब ग्रहित का वर्णन सुनो। देखो जी कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे दर्शन मोहते अंतर रागादिक धरे अंबरते सने। देखो अब जे ग्रहित सुनिए सुते, अब ग्रहित का वर्णन सुनो। ग्रहित माने ग्रहित मिथ्या दर्शन का और ग्रहित मिथ्या ज्ञान का और ग्रहित मिथ्या चरित्र। सबसे पहले किसका आएगा? ग्रहित मिथ्या दर्शन। तो सबसे पहले ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप जे जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करता है, पोषे वो पोषण करता है किसका? चिर माने अनादि काल से जो चला आ रहा है
ऐसा जो दर्शन मोह, अब आया समझ में दर्शन मोह का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है दर्शन मोह का? परसों ही बताया हमने दर्शन अर्थ किसे, दर्शन मोह क्या है, दर्शन मोह कितने भेद है, चारित्र दर्शन चारित्र, दर्शन मोह के कितने भेद है, तीन, कौन कौन से? अच्छा सम्यक, एक और मिथ्यात्व और सम्यक, तो वो उसमें जब भी दर्शन मोह का नाम आया वहां पर मिथ्यात्व लिया जाता है, क्योंकि दर्शन मोह का मेन हीरो तो मिथ्यात्व है। तो कोशे चिर दर्शन मोह माने चिर माने अनादि काल का, जो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, तो अनादि काल के मिथ्यात्व को जो पोषता है वो कौन है, माने वो ग्रहित मिथ्यात्व, माने ग्रहित मिथ्यात्व कैसा है, कैसे होता है ग्रहित मिथ्यात्व, तुझे बताया कैसे होता है ग्रहित मिथ्यात्व, कुगुरू को देव धर्म की सेवा करना, ये ऐसा चक्कर है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक है और कुदेव कुगुरु कुधर्म का श्रद्धान मिथ्यात्व, माने तलवार ऐसी है ढंग से चलाओ तो सामने वाले का सर काटे, गलत चलाए तो अपना ही सिर कट लगे, ऐसा है। देवशास्त्र गुरु की यथार्थ पहचान होवे तो भाव काटने में नियुक्त हो सकती है, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को कुदेव गुरु कुधर्म को देव गुरु धर्म मान के सेवन करे तो भाव भाव में बिगाड़ हो सकता है, ऐसा चक्कर है। क्योंकि देव गुरु धर्म इनके आधार से धर्म होता है, इनकी जिसकी पहचान गलत है उसको धर्म नहीं होगा, देव का स्वरूप माने आदर्श, आदर्श गलत है धर्म कहाँ से होगा, धर्म का स्वरूप भी गलत समझ रखा है तो धर्म कहाँ से होगा, और गुरु जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसका स्वरूप भी गलत मान रखा है तो स्वयं भी वैसे चलेगा, उतने भी गुरु का स्वरूप मानेगा, इसलिए वो तीनों के अंदर उन्होंने कहा नहीं इसमें नहीं चले, ये तीनों तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ थे, इनमें शिथिलता रखने से हमें धर्म किस प्रकार होगा, इनमें शिथिलता न चल सकता है साहब, अब धर्म में अब चल सकता है कि इनमें चल सकते की कोई बात ही नहीं है। डॉक्टरी में अपन को इलाज कराने जाओ, अरे साहब वो तो ऐसे ही जो है ना लास्ट वाला सेमेस्टर उसका पास नहीं हुआ क्या, अरे ऐसे ही इसको किसी डॉक्टर बना दिया, मतलब ऐसे डॉक्टर बना दिया, मतलब वो कौन ने बताया था नहीं कि किसी ने कोई की वो बहुत सारे ऐसे नकली डॉक्टर बन गए हजारों की संख्या, उनमें अपने को पता चल रहा है कि ये जो अपना इलाज कर रहा है ये वही है, भागेगा वहां से उल्टे पे, मतलब वहां अपने को थोड़ा भी संदेह हो जाए तो अपन उसका इलाज अपने से अपन उसका उससे इलाज नहीं करा, तो धर्म जैसी चीज में अपन कैसे इलाज करा ले, जिसको खुद का ही खुद ही रोगी हो जो उसका प्रॉपर वैद्य नहीं होगा उससे इलाज नहीं कराएगा, जो इलाज करने वाला है वो प्रॉपर खुद तो जानकार हो कि इसकी दवाई क्या है इसका मर्ज क्या है, खुद ही बीमार हो रहा हो मतलब कषाय से खुद ही पीड़ित हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से खुद पीड़ित है, परिग्रह की लालसा से पीड़ित है, स्वयं दीनहीन है, उससे हम क्या इलाज करा सकते, मैंने ये जो चीज है ये इसमें चलती है वाली चीज नहीं चलती, इसमें देव के अंदर गुरु में धर्म में तो चलते चलते में तो इतना सब कुछ एक मत खड़ा हो गया, एक एक उपकरण स्वीकार किया अपन ने, फिर दो किए तीन किए फिर चार किए पांच किए 14 हो गए, पात्र भी है वस्त्र भी है सब, तो तुमने पहले दिन छूट दी थी, जब ही उन्होंने कह दिया था ये क्या स्थिति आने वाली थी, क्या ऐसे देव में छूट दें हम जरा से थोड़ा बहुत परिग्रह चल सकते, भगवान ऐसे अच्छे लगते, थोड़ा सा मुकुट मुकुट आएगा उसके बाद फिर अंगी भी आएगी, फिर और भी चीज आती जाएगी जो मूल मित्र आता है समाप्त हो जाएगी, ऐसे धर्म में थोड़ा बहुत तंबोला अम्बोला का आजकल की जरूरत है, नई पीढ़ी के बच्चों को लाने तंबोला है और भी जो जो है, तो धर्म के नाम पे जुआ खेलो सट्टा मंदिर मार सब इकट्ठे करो 5-5 रुपए
और फिर एक जने को दे दो, उसे सिद्धि क्या हो रही है? जब हमने म्यूजिकल, अच्छा मैंने कहा और भी एक और चीज जोड़ दी करते म्यूजिकल। तो धर्म का स्वरूप तो वितरागतामय है, अपने को यदि और मतलब अपने मनोरंजन करना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपन आराम से धर्मशाला में जाएं और सबको टिकट बांटें और ये खुलेआम कहें कि अभी हम लोग जुए का प्रोग्राम कर रखा है, आप भी आओ, और वो उस नाम से करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर क्या? तो धर्म तो वितराग भाव रूप है भैया, ये तो व्यसन है। तो इसलिए वो उसमें सिद्धि मतलब उसको हम कुधर्म कहेंगे नहीं तो क्या धर्म कहेंगे? देखो कोई चीज जो है ना, मतलब कोई चीज अपने आप में ना धर्म होती है ना कुधर्म, लेकिन कोई खोटी चीज को यदि हम धर्म मान के सेवन करते हैं तो वो कुधर्म है, वो क्रिया थोड़ी नहीं कुधर्म है। तंबोला खेलना कुधर्म है कि धर्म है? तंबोला तो तंबोला है, लेकिन तुम उसको धर्म मान के खेलो तो कुधर्म क्या? माने विषय कषाय का पोषण, विषय का खाना, समझ लो लड्डू खाना, लड्डू खाना धर्म है क्या? धर्म तो मैं कह रहा हूँ लड्डू खाने में धर्म मानना अधर्म है, लड्डू खाना अधर्म नहीं है, लड्डू खाना तो करेंगे। मैंने लड्डू खाना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना लड्डू खाने में धर्म मानना पाप है। पेड़े खाओ प्रसाद, प्रसाद दिया अपन तो खाएगा, खाया दिया अपन ने, धर्म और मान लिया सब धर्म हो गया। तो वो पेड़ा ही मुंह बना के खाओ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं, घर में खा रहे मतलब अपन मुनिराज को भी आहार दान देते हैं तो पेड़ा खिलाते ही है ना, तो पेड़ा खिलाना ही यदि पाप होता तो वो भी पापी हो जाते, लेकिन वो पाप नहीं होता उनसे क्या? क्यों? क्योंकि हमने जो खाना पीना था खुद का उसको हमने क्या माना? धर्म माना। आगे अपन कहेंगे मैंने रागादि भाव अधर्म नहीं है, लेकिन रागादि भाव को धर्म मानना अधर्म, कुधर्म है। अधर्म क्या कहें? कुधर्म है, खोटा है। पाप 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 की तरह करें अपन किया ये पाप है, कोई बात नहीं। इन पाप को धर्म का जामा पहना के करें तो महापाप है, क्योंकि पाप तो जब छूटेंगे तभी छूटेंगे, लेकिन यदि पाप को धर्म का जामा पहना दिया तो वो नहीं छूटेगा, ये छूट सकता। तो ये यहाँ यही है कुगुरु कुदेव कुधर्म, ये जो इनके माध्यम से जो चीज आएगी छूटना नहीं। जो धर्म के नाम पे जो जो रागादि भाव का पोषण करने वाली कोई भी क्रिया आएगी वो नहीं छूटेगी कभी। और यूं ये है कि नहीं धर्म के नाम पे नहीं है, पाप के नाम पे है तो छोड़ो, इसके लिए पाप है तो छोड़ सकता। गलती करना इतना खतरनाक नहीं है जितना गलती को अच्छा मान के करना खतरनाक। इसलिए ये जो चीज है तीनों, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म, इसकी सेवा। अरे इससे क्या है कि कोई ऐसा व्यसन नहीं है जो जीवन में ना आता, सब आ सकते हैं भाई। जब वो एक भांग का सोटा लगा सकते हैं तो अपन भी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या लोग लगाते भी धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे मतलब वो भांग लेना धर्म मानते हैं, भांग नहीं लेना तो उनका अपमान हो जाएगा वहां पर बैठे वाले। यदि शराब का प्रसाद नहीं लिया तो अपमान है, मटकी नहीं फोड़ी तो अपमान है, माखन नहीं खाया तो अपमान है क्या? राम ने रावण को जलते हुए नहीं देखा तो अपमान। तो ये सब क्रियाएं तो पाप रूप थी और वो सब धर्म मान के कर रहे थे क्या? माने जो व्यसन है ना, व्यसन भी वो व्यसन को भी जैसे कई है, अब तो बहुत सारे बंद हो गए, जैसे बलि देना, अब बलि देना है, अब बलि देने को धर्म का नाम दे रखा है। इसमें जो है वो सामने वाला देवता खुश होता है और वो जो मरने वाले जी है वो सब स्वर्ग पहुंच जाते हैं। जिसकी ऐसी मान्यता है तो उनके लिए शास्त्र में लिखा है कि यदि वो पहुंच जाते तुम अपने आप को पहुंचा लो ना, तुमको भी देते हैं बलि, तुम पहुंच जाओ सीधे, तुमको भी बेचारे को पहुंचा रहे हो, तुम खुद ही पहुंचो। तो बलि जो बलि देने में जो धर्म मानता है वो महापापी है। क्यों? क्योंकि वो जीव हिंसा में धर्म मान रहा है, वो हिंसा तीन काल में छोड़ने वाला नहीं है।
शिकार खेलने में धर्म माने। राजाओं का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म शिकार खेलना है। ये जिस किताब में लिखा हो और वो किताब धर्म के नाम से आ जाए और जो उसको मानता हो बिल्कुल धर्म मान के दुनिया लिखा है, तो वो क्यों छोड़े उसको? वो जो क्षत्रिय को धर्म शिकार करना, शिकार होना चाहिए। राजाओं का धर्म जुआ खेलना, पुराने जमाने में खेलते थे, होना चाहिए। हिंसा जो है वो धर्म है। देव एक देवी दे, दासी प्रथा होती थी, क्या नाम उसका, देवदासी प्रथा, पर स्त्री सेवन होता था उसमें कुछ नहीं, वेश्यागमन पर स्त्री सेवन, और धर्म के नाम से जो है पंडित लोग कर रहे। तो ये सारी बीमारियां जो है जितने खासकर अपने, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पाप धर्म की आड़ में पल रहे हैं। इतनी हिंसा है ना, बलि प्रथा धर्म की उसमें, तो बलि का क्या लेना, पशुओं को मारना और कुछ फल की प्राप्ति की आशा से कितना बड़ा पाप है, परंतु धर्म के नाम पर चल देना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो इनके चक्कर में पड़ेगा वो सब काम करेगा। जब वो उसकी देवी खून पी के प्रसन्न होती है तो ये देवी को खून चढ़ाएगा। यदि उनका भगवान माखन चोरी कर सकते हैं तो ये भी कुछ चोरी करे तो उसको क्या है। यदि वो रासलीला कर सकते तो वो झूठ बोल सकता है, ये भी झूठ बोल सकता है, वो हिंसा कर सकता है, ये भी कर सकता है, मतलब सभी चीज तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत क्या है? वो करते ही ना, वो भले ही कहते रहे, उनका कहना बिल्कुल केवल कहने का है। जो बलि में धर्म मानता हो उसको ये कहे कि नहीं अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, गांधी जी ने उपदेश दिया, उसका कहना क्या है, ढकोसला मात्र, उसमें क्या दम है? पशु की बलि दे रहा और कह रहा है कि हिंसा में धर्म है, तो पशु की क्यों बलि दे रहा है? झूठ बोलना यदि धर्म, झूठ बोलना यदि पाप है, तो तू ऐसे भगवान को कैसे मान सकता है जो स्वयं झूठ बोल रहे हैं, और उसको तू लीला गा रहा है, लीला कह के गा रहा है। चोरी करना यदि पाप है तो चोरी करना लीला कैसे हो सकता है? परिस्थिति सेवन यदि पाप है तो रासलीला कैसे स्वीकार हो सकती है? तो पाप ही बोलते, जैसे परिग्रह जोड़ना यदि पाप है तो लक्ष्मी की पूजा कैसे हो सकती है? क्या लक्ष्मी की पूजा कर रहे इसका मतलब क्या है कि परिग्रह पाप नहीं दिख रहा है, परिग्रह को धर्म मान के बैठ रहा है? बल्कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजा नहीं करे तो दिवाली नहीं बने उसमें। हर व्यक्ति दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा करता है, भगवान महावीर स्वामी की भी छोड़ता है। क्या महावीर स्वामी का दिन, आज का दिन तो लक्ष्मी जी का, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, हिंदू जैसे संस्कार उसके करते कि भगवान महावीर स्वामी के, चलो यदि कोई कहे कि नहीं भगवान की भी करते, तो भगवान की भी करते होंगे साथ में लक्ष्मी जी की भी करते, और लक्ष्मी जी की क्या करते हैं, सब चीजों की करता है, किस किस पे पता नहीं जूते चप्पल सब पे लच्छा बांध देता है, जो चीज नहीं आएगा सब पे, पेन पे दबात पे उस पे सब पे लिखे, ढोक दे सबको, तराजू को बाट को उसमें एक रुपए का सिक्का रखे, सवा रुपए का टप दूध दिया, सही में क्या क्या नहीं करता है जी ये सब, जबकि धर्म से इन सबका कोई संबंध नहीं, लेकिन ये धार्मिक पर्वों पे करता है। जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, वो मोक्ष कल्याणक को मोक्ष कल्याणक जैसा नहीं मनाता, बल्कि और सारी ग्रहित विख्यात की क्रियाएं करता है, नई नई चीजें करता है, क्या क्या सीख ली और वो सब काम कर रहा है। बताओ भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए होंगे तो क्या किया होगा? क्या लोगों ने अपने घर आके सबने सवा रुपये का सिक्का चांदी में डाला, चांदी का सिक्का दही में डाला, ये क्यों होगा? भगवान मोक्ष गए इस कृष्ण की इच्छा करते हैं, बही की खाते की रोकड़े की, मैंने वो दिन तो परिग्रह छोड़ने का पर्व है और हमने वही दिन परिग्रह किए सब पूजा करने का पर्व है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की गौतम गणधर देव, गौतम गणधर के केवल ज्ञान की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा नहीं। भगवान महावीर स्वामी तो करेंगे ही ना, सब करने लग गए लोग आजकल देखा देखी, लेकिन अपनिया तो एक्चुअल में क्या है कि ये उनकी पूजा नहीं होती,
बदलना है बदल लो और उस पर साक्षात्या लिखना लिख दो, लेकिन वो उसकी कोई पूजन के योग्य नहीं है। और जो भी उसका जैसे नया कोई चीज़ होती रिप्लेस कर दी। पर अब आजकल तो सबकी भी क्या जरूरत है, देखो वो रूढ़ी है, अब तो सबके कंप्यूटर में ही रहते हैं सब, कि कंप्यूटर बदलो गया वो या उसका लच्छा बदल दो और क्या कर सकते हैं, मतलब सब चीज़ें ही बदल गई ना, अब तो वो एक रूढ़ी मात्र है बस और क्या है। उनका धार्मिक कार्य से कोई प्रयोजन नहीं, ये सब लौकिक सामाजिक चीज़ें हैं। धर्म पर देखा जाए तो धार्मिकता तो इतनी है उसके अंदर कि भगवान महावीर स्वामी की और गौतम गणधर की केवल ज्ञान की पूजा की जाए। दूसरी बात ये कि एक पर्व पे जब अपन उपवास रखते हैं भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पे अपन उपवास रखते हैं, मोक्ष शक्ति मनाते ना, तो जब उस पर उपवास रखते हैं तो दूसरे मोक्ष कल्याणक पे अपन 10 बार कैसे खा सकते हैं, सुबह से चढ़ना चालू हो जाता है, जिसके घर जाए उसके घर कुछ ना कुछ खा ले, पेट क्या होता है, पेट को कचरा पेटी बना देता है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि भगवान का मोक्ष कल्याण यदि खा पी के मनाना है तो फिर पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण को उपास क्यों करते हो, और यदि उसको उपास करते हो तो इस मोक्ष कल्याण को 10 बार क्यों खाते हो, एक ही चीज करो ना कोई एक निश्चित तो कर लो कि हमको मोक्ष कल्याण कैसा मनाना है। यदि मोक्ष कल्याण खा के मनाना है तो दोनों खा के मनाओ, और बिना खाए मनाना है तो दोनों का बिना खाए मनाओ, एक का कैसा और उसका कैसा, एक तो व्रत संयम से ले रहे हैं और एक असंयम से ले रहे हैं, एक पे सादगी से ले रहे हैं और एक श्रृंगार प्रदर्शन वगैरह। तो भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव का मन रहा, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव तो वही मनाता है जो वास्तव में उनकी शिक्षाओं को उस दिन अपने जीवन में उतारने का कुछ पुरुषार्थ करता, तो उनका सचमुच में निर्वाण कल्याणक मनाना हुआ। और जो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में न उतार कर उसी दिन उनकी शिक्षाओं के विपरीत चलता है वो उनका निर्वाण उत्सव नहीं मनाता है, वो रामचंद्र जी का लौटने का दिवस मनाता है, वनवास से आ गए, राजा आएगा तो कपड़े नए पहने ही जाएंगे, पहन लिए नहीं तो भगवान चले गए किसको दिखा रहे, ये सब चीजें हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक क्या आप विचार नहीं करो तो सब होता रहेगा। क्या है देखो, धर्म जो है विवेक की बुद्धि में उत्पन्न होता है, विवेक धर्म न देखा देखी होता है न धर्म जो है कुल परंपरा से होता है, धर्म ऐसा है जो धर्म का नाम ही विवेक की भूमि में धर्म उत्पन्न होता है। तो हम अपने विवेक का उपयोग करेंगे तो हम स्वयं भी सोच सकेंगे कि हमें किस पर्व को किस तरह से मनाना चाहिए और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। दस रक्षण पर अपन कितने व्रत संयम से मनाते हैं, ऐसे सब मनाओ तो सही है। तो ऐसे ही कुधर्म का सेवन करता है, कुदेव का, कुगुरु का और कुधर्म का, और इनका सेवन करने से अनादि काल का जो ग्रहित मिथ्यात्व है अग्रहित है वो पुष्ट होता है, माने उसको पानी मिलता है अच्छे से, माने कुदेव की मान्यता जिसके है तो उसका जो अग्रहित मिथ्यात्व है वो नहीं नष्ट होगा, क्योंकि वो अग्रहित वो जो ग्रहित मिथ्यात्व है जो कुदेव कुगुरु कुधर्म की मान्यता है वो उसकी अनादिकालीन विपरीत मान्यता को पुष्ट करती है, वो उसको नष्ट नहीं होने देती, वो उस पे डबल तरह से उसके ऊपर एक कोटिंग और चढ़ा देती है, ऐसी पक्की कोटिंग कि रंग उतरे ही नहीं, पक्का रंग और कभी नहीं उतरने वाला, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अग्रहित मिथ्यात्व कहता है कि यदि अग्रहित मिथ्यात्व है जीव को तो मुझे कोई खतरा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका ऐसा रंग चढ़ जाएगा इसका कि मेरा तो नाश होने ही नहीं वाला। मूल में तो अग्रहित मिथ्यात्व है, एक कुदेव कुगुरु कुधर्म की मान्यता वो उस अग्रहित का पोषण करती है इसलिए इसको खतरनाक कहा, यदि वो नहीं करती होती तो अपने को क्या दिक्कत, मान किसको जिसको मानना मान अपने को क्या है, लेकिन वो मान्यता उसकी अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करती है, और अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करती माने वो जो अग्रहित मिथ्यात्व जो कि चार गति में घूमने का कारण है वो बना रहता है उसको, वो बना रहेगा तो चार गति में घूमता रहेगा तो दुखी रहेगा, तो दुख दूर नहीं होता उसका, इसलिए बताना पड़ता है कि ये है, यदि इसका इससे अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट नहीं होता तो इस विषय को लेते ही नहीं छेड़ती टोटल बदल, दौलत राम जी भी नहीं लेते क्यों ले, लेकिन इससे बिगाड़ होता है
इसलिए इसका वर्णन किया और इस काल में इसकी प्रवृत्ति बहुत देखने में आती है, इसलिए इन सब चीजों का वर्णन यहाँ विस्तार से किया। क्यों? क्योंकि जब तक इनकी प्रवृत्ति नहीं मिटती तब तक ये सब प्रकार से धर्म करना भी चाहे तो भी धर्म नहीं करता, क्योंकि ये तो उनके पास जाता है कि ये मेरे को धन देंगे और वो ऐसा अचेत करते हैं कि ये बेसुध हो जाता है कि क्या स्वरूप पता ही चलता ऐसा है। तो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव जो उनकी सेवा करता है पोषे वो पोषण करता है किसका? अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व का। अब तीन बातें कही उन्होंने, तीन चीजों की सेवा जो है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। किन तीन चीजों की सेवा? कुगुरु कुगुरु कुदेव और कुधर्म, ठीक है। कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, ये परिभाषा है आपको आय परीक्षा। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाते हैं। और क्या करते हैं ये? क्या करता है युद्ध अग्रहित मिथ्यात्व को, अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, अच्छा मजबूत करता है। तो करेला पहले से अग्रहित मिथ्यात्व का और ऊपर से नीम और चढ़ गया ऐसा ही। अब तीन बातें कही उन्होंने, तीन चीजों का सेवन कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। अब इन तीन का वर्णन करेंगे, किन तीन का? सबसे पहले कुगुरु, फिर उसके बाद में कुदेव और फिर कुधर्म। इन तीन चीजों का वर्णन करेंगे और ये तीन चीजों का वर्णन हो जाएगा, ग्रहित मिथ्या दर्शन पूरा हो जाएगा। फिर किसका चलेगा? ग्रहित मिथ्या ज्ञान और फिर ग्रहित मिथ्या चाहिए और ये ढाल पूरी। अब सबसे पहले कुगुरु का लक्षण, कुगुरु किसे कहते हैं? उसका लक्षण क्या, चिन्ह क्या? अंतरागाधिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जन उपलना। अंतरागाधिक, अंतरंग में जिनके रागाधिक भाव पाए जाते हैं, रागाधिक माने राग और द्वेष, राग और द्वेष माने कषाय। राग रूप कषाय कौन कौन सी है? माया और लोभ, और द्वेष रूप क्रोध और मान। तो अंतरंग में जिनके इस प्रकार के राग द्वेष भाव पाए जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ पाया जाता है, और बाहर में कैसे स्नेह रखे नहीं रखे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनसे प्रेम है। कैसे प्रेम है? धन से और अंबर माने वस्त्र से। बाहर में धन से इसने, धनवानों से इसने, और अंबर माने कपड़े से इसने। अंबर माने कपड़े ही नहीं है, कपड़े से संबंध रखने वाले कोई पर वस्तु है से इसने, तो पर वस्तु से इसने, पर द्रव्य से प्रेम है। तो अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह है। बाहर में धन से इसने, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग में रागादि भाव है, अंतरंग परिग्रह, क्योंकि रागादि भाव अंतरंग परिग्रह है। राग द्वेष परिग्रह है कि नहीं? अंतरंग कितने परिग्रह है? अंतरंग 14, उसमें ये चार है, क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, ये सब परिग्रह हास रति अरति। तो ये सब जो है 14 मतलब मिथ्यात्व, चार कषाय और 9 कषाय, ऐसे कुल मिला के 14 अंतरंग परिग्रह है। तो अंतरंग परिग्रह का त्याग नहीं हुआ, क्योंकि रागादि भाव है, अंतरंग में कषाय है, और बहिरंग परिग्रह माने धन आदि का इसने क्या? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों प्रकार के परिग्रह से युक्त है। हाँ वो राग में आ गया, मतलब प्रकट में इस वस्तु का इसने दिख रहा है, प्रकट के अंदर ही वस्तु है ना, वस्तु रखी है, धन है ही समझ लो, धन है, धन से संबंध रखने वाली कोई वस्तु। पीछी कमंडल के अलावा अन्य कोई वस्तु, पीछी कमंडल को परिक्रमा नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है और वो संयम और सोच के उपकरण, और उसमें भी वो अपना महत्व नहीं रखते कि ये मेरा है,
यदि उसमें ममत्व रखे तो वो परिग्रह उनके लिए, लेकिन वो उसमें रखते नहीं क्योंकि उनके परिग्रह होंगे चेतन अचेतन, जैसे कहते ना चेतन अचेतन और मिश्र परिग्रह में ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये मैं हूँ और ये मेरा। तो चेतन परिग्रह क्या है अपने लिए? चेतन परिग्रह क्या है? स्त्री पुत्र या अपने चेतन परिग्रह? मुनिराज के लिए चेतन परिग्रह क्या? स्वयं नहीं, उनके शिष्य हैं वो उनका चेतन परिग्रह। और पीछे कमंडल अथवा में कोई भी परिग्रह है वो अचेतन परिग्रह। और मिश्र पीछे कमंडल सहित यदि शिष्य है उसमें ये भाव कि मेरा है तो परिग्रह उनके। शिष्य होना मात्र परिग्रह नहीं, शिष्य में महत्व बुद्धि परिग्रह, ममता भाव, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा है, मेरे इतने शिष्य, एक आवाज दो तो सब खड़े हो जाते। तो ये कोई गिरोह थोड़ी बना रहा है संगठन, ये तो संघ है ना, खड़े हो गया है कोई कुछ कही। तो यदि ये ममत्व है ये भाव के मेरे हैं ये सब और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो परिग्रह नहीं का ही, ये घर वालों का परिग्रह नहीं छोड़ा तो शिष्य का परिग्रह, इसलिए उनमें अपनत्व भाव नहीं होता। अपनत्व भाव तो उनके निमित्त से क्रोधादि भाव आएगी ना, नहीं रहता है क्रोधादि की उत्पत्ति होगी ना, तो इसलिए वो धन से स्त्री धन से मतलब चेतन परिग्रह से अचेतन परिग्रह से किसी प्रकार का महत्व नहीं, बाहर में तो कुछ रखते ही नहीं। मैंने बहिरंग में तो पीछे कमंडल के अलावा कुछ है ही नहीं, एक मतलब तिलतुष मात्र की भी अनुमति शास में नहीं। शास में दो चीज रख सकते हो पीछे और कमंडल, क्योंकि दो हाथ है तो हाथ में दो ही चीज आ सकती, तीसरी चीज क्या रखेंगे बताओ? ऐसा तो नहीं न्यू एक चलेंगे कैसे, चलना भी तो है, किसी को दे देंगे तो देंगे देंगे तो आदमी चाहिए फिर एक कि वो अपने साथ वाले मुनिराज को दे देंगे, तो साथ वाले मुनिराज के पास भी तो अपने पीछे कमंडल है ना, और फिर नहीं तो वो जिसको भी तुम दोगे अलग से एक्स्ट्रा को तो वो उसकी संगति में आए बिना नहीं होंगे, तो उसकी संगति में आए काम गड़बड़ चालू हो गया। इसलिए दो ही चीजें बस खत्म, पीछे और कमंडल। पुस्तक भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, शास्त्र भी क्यों नहीं ले जा सकते साहब? शास्त्र की उनको आवश्यकता का, स्वयं चलते फिरते शास्त्र है, है? जिस जगह जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर कोई दे दे उनको, वो उसी स्थान पर पढ़ते हैं उसी स्थान पर छोड़ चले, यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ रख सकते हैं, यहाँ चार पुस्तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यहाँ से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ वो पुस्तक कैसे ले जाए? अभी भी छयक्षण तो अभी भी रह सकता है, छयक्षण तो पहले इतना विकसित हो जाता है जब तीन एक कषाय चुपड़ी का अभाव होता है और दो कषाय चुपड़ी मंदता होती है तब वो दशा होती है, तो एक कषाय चुपड़ी का अभाव किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन जिसको प्रकट हो गया, जिसके अंतरंग में इतनी विशुद्धि है तो उसकी शिक्षा तो हो चुकी ना पहली, क्या वो स्वयं चलते फिरते सिद्धि की उपमा है? वो जो लिख दे वो शास हो जाता है, वो इतनी इतनी कचास थोड़ी नहीं वहां की उसको आवश्यकता पड़े इसके इसका अवलंबन लेना पड़े, यदि अवलंबन की आवश्यकता है उसके लिए तो फिर वो छुल्लक है हिलक है तो उसके पहले की 10 प्रतिमा है तो उसमें लेके धर्म साधन करें। लेकिन ये तो पूरा निरावलंबी मार्ग है, क्योंकि इसका अवलंबन चाहिए होगा, समझ लो कोई किताब का अवलंबन है तो परावलंबन हो गया, और परावलंबन है तो फिर वो किताब नहीं आई तो उसके बिना अपना धर्म कैसे होएगा क्या? और फिर वो तो उसके साथ में और सब व्यवस्था जो टानी पड़ेगी ना एक जगह दूसरी जगह ले जाने की क्या क्या कर कर, और फिर दूसरी बात कि वो इतनी सामर्थ्य है अपने आप में कि हम अपने आप से ध्यान में बैठ जाएं, और जितना हमारे आत्म कल्याण के लिए जितना आवश्यक है उतना ज्ञानाभ्यास पहले हो चुका है, जो रिक्वायर्ड है अपना जीवन निकालने के लिए अपनी धर्म आराधना के लिए उत्ती तो वो कर चुके हैं उत्तम, इसलिए नहीं तो इसकी पराधीनता होगी तो पराधीनता रहेगी तो हर जगह कहाँ से कहाँ कहाँ तक ले जाओगे आप, कितने भिजवाओगे क्या क्या भिजवाओगे,
और क्या क्या करोगे, और फिर वो भी तो पैसे में ही आएगा, फिर पैसा कहाँ से लाओगे, किसको कहोगे, क्या कहोगे, और कब कब पहुँचा नहीं पहुँचा, बीच में कुछ हो गया, वो हो गया, फिर उसमें कुछ निशान, मतलब सब चीज़ें, उसमें फिर पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, फिर चौकी भी चाहिए, फिर उसको रखने के लिए बैग चाहिए, बैग के सामान, फिर बैग इधर से उधर पहुँचाने के लिए गाड़ी चाहिए, फिर आदमी चाहिए, तो सारे आ गया घर वाले। चाह लंगोटी की दुखभाल है, और शास्त्र में भी ऐसा होता तो लिख दिया होता उन्होंने कि नहीं ये भी रख सकते हैं, शास्त्र में लिखा क्या करो, या तो शास्त्र को मानना बंद करो, नहीं शास्त्र तो बहुत पुराने टाइम के, आजकल इनकी कोई जरूरत नहीं है, रखो इनको यही सब, मतलब तो अपनी यहाँ की आजकल की बात करो, क्या है मॉडर्न टाइम है यार, ये क्या पढ़ रहे हैं अपने सब 200 साल 300 साल पुराने चीजें, या तो इसको बंद करें अपन, या फिर इसमें जो लिखा है वो माने तो दिक्कत, अब उसमें जो लिखा है वो तो जो है सो है क्या, और फिर वो तो दिक्कत ही है ना कि तुम एक ही दोगे तो एक लंगोटी है, देखो लंगोटी की रक्षा करने के लिए लंगोटी ने चूहा खा लिया, लंगोटी को चूहे ने खा लिया, तो चूहे से बचाने के लिए क्या करें, लंगोटी को बिल्ली ले गया, और बिल्ली परेशान किसी कहानी सुनी कि नहीं सुनी, किसने सुनी बताओ बताओ, आप चलो मेरे को भी ख्याल में आ जाएगी, बिल्ली को बिलाने के लिए सब पूछ रहा, अच्छा गाय है, अच्छा ये हाँ तो मेरे को बिल्ली के आगे याद नहीं थी, तो ये तो सभी आएंगे ना, सब चीज चाहिए, वहीं से अनुशासन करना किया मैं, कुंद कुंदाचार देव ने इसलिए अष्ट पौड़ में कई गाथाएं लिखी इस बात की कि तिलतुष मात्र भी यदि संग है तो फिर वो परिग्रह है, उन्होंने तो इतना कठोर लिखा है अपन बोल भी नहीं सकते, तिलतुष मात्र भी यदि संग में है तो वो सीधे निगोज जाएगा, देखो इसमें पंचम काल के गुजराज ने पंचम काल के साधुओं के लिए लिखी, ये पंचम काल के साधु थे जिन्होंने लिखी, देखो पढ़ो इसके अंदर है दिया इसमें ना आपका, अपनी तरफ से नहीं इसमें लिखा है, देखो पढ़ो छठा अधिकार, ये 250 साल पहले लिखा है, 250 साल पहले पंचम काल छठा अधिकार निकालो, देखो एक सेकंड, अरे अभी एक सेकंड पढ़ लो पहले अपन, फिर से बात कर लेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर आप निकालो, सभी गाता है इसके अंदर तो 187 नहीं 187 में नहीं है, 179 निकालो है, 179 हाँ ये देखो 179 बराबर सही निकाला, देखो अब देखो ये सूत्र पावर की गाथा है, और ये कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा, किसी और की नहीं, कुंद कुंदाचार्य देव मतलब हर मूर्ति पे उनका नाम लिखा है, जितनी हिंदुस्तान की मूर्ति है कोई मूर्ति नहीं मिलेगी जिसके कुंद कुंदाचार्य देव का नाम नहीं, कुंद कुंदाचार्य देव को अपन भगवान महावीर स्वामी का गौतम वर्णधर, और गौतम वर्णधर के बाद कुंद कुंदाचार्य देव को याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमणि मंगलम कुंद कुंदाचार्य, और जितने मुनिराज है वो सब अपने को कुंद कुंदाचार्य की आमनाएं करते थे, हम कुंद कुंदाचार्य नाम उनकी गाथा है, वही षट पावर में कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा है, ज जाय रूव सरिसो तिल तुस में तम न गीन दी हत्ते सु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण जाय नी गोदम, अरे वो इसका बिल्कुल सरल एकदम भाषा है इसकी, कोई भी समझ सकता है, जह जाय रूव सरिसो, जह जाय मैंने जह मैंने यथा, जाय मैंने जात रूप, यथा जात रूप, यथा जात रूप मैंने जैसा उत्पन्न होता है वैसा रूप, यथा मैंने जैसा, जात मैंने उत्पन्न हुआ रूप, जैसा बालक उत्पन्न होता है
बालक के उत्पत्त होते समय जैसा उसका रूप होता है, माने बालक उत्पत्ति समय क्या क्या लेके आता है, कुछ लेके आता है ये पिछले भोग का परिग्रह, तो सोना चांदी मांग के कुछ नहीं लेके आता ना, कुछ कागज वागज एफडी एफडी लेके आया है 20 साल बाद की है, कुछ नहीं लेके आता। बालक अपने साथ में बिल्कुल जब उत्पन्न होता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता पास, तो ऐसा यथा जात माने जैसा उत्पन्न हुआ बालक, उस बालक के रूप के सदृश, रूप सरीसो, सरीसो माने सदृश, उनके रूप के सदृश तिल तुस मेतम माने तिल्ली, तिल्ली होती है तिल्ली कितनी बड़ी होती है, तिल्ली तुस माने छिलका, तिल्ली तब तिल्ली का टुकड़ा जरा सा, तिल्ली के तुस जितना मात्र भी, तिल तुष मात्र भी न गीहदी ग्रहण नहीं करता, हत्तेसु माने वो हाथों से, जई ले यदि लेता है, अप बहुयम अल्प भी लेता है या बहुत भी लेता है, तत्तो तो फिर पुण जाई निगोदम, तो पुनः कहा जाता है निगोदम, कि क्या करें इसको बोलो मैं कहता हूँ कि अगर सास कभी कभी लगता है सचमुच की सास की मानेंगे क्या, ये तो ये गाथा के कह रही है। सो यहाँ देखो देखो अब इसका अर्थ पढ़ता हूँ मैं, मुनि पर है वह यथा जात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा जन्म है, सो वह मुनि अर्थ यानी अच्छा वो हथे से माने अर्थ है, वो अर्थ है, अर्थ यानी धन वस्त्र आदि वस्तुएं उनमें तिल के तुष्ट मात्र भी ग्रहण नहीं करता, यदि कदाचित अल्प व बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद। ये तो उत्कृष्ट स्वरूप है क्या, यदि अपने को सर्वथा परिग्रह का राग छूटा है तो ठीक है, यदि परिग्रह का राग है तो कह रहे हैं कि इसके पहले की पद्मा है ना 11 प्रतिमा होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं 11वीं प्रतिमा छुल्ला के लक्का रूप होती है, कोई भी चीज का राग नहीं छूटा हो वस्तु छोड़ी तो बाद में दुख स्वयं को अन्य प्रकार से ग्रहण करे, दुख होगा उससे स्वयं को भी ग्लानी होगी ना, ऐसा तो ही अपनी सामर्थ्य देखे, सामर्थ्य है कि नहीं है क्या, अति कोई भी मैं तो कहता हूँ लौकिक में भी कोई त्याग करना हो किसी चीज का और वो अति जल्दी करे तो उससे वो दुखी होगा, यदि अपने परिणामों का विचार नहीं करे और ये नहीं ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार नहीं करे, भविष्य में नित्यता होगा कि नहीं होगा इन सब बातों का विचार नहीं करे और यदि उसके वैराग्य के परिणाम दृढ़ नहीं रहेंगे तो वो चीज तो छूट नहीं, ये प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना हाथ ये भाई बच्चों का खेल नहीं, लेना सरल है निभाना कठिन है उसको। देखो सो यहां देखो गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे, उसका नाम है परिग्रह परिमाण व्रत, तो स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है, और मुनि बने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। अब लोग कहते हैं कुछ अच्छे, मैं कह रहा हूं अच्छे कहां है, ये तो कह रहे हैं निगोदगामी होता है क्या, इसलिए ऊंचा नाम रखा कर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं। तो जो अपने ये कषाय का जो अभाव होता है तो ये भी तो कषाय चुपड़े अभाव नहीं, अभाव तब होता है जब वो एक्चुअल में सब परिग्रह का त्याग होने पर और उसके बाद में वो जब सामायिक में बैठते हैं तो महाव्रत अंगीकार करने के बाद जैसे एक का अभाव था पहले तो अब दो का और होगा, दो का भाव था कोई श्रावक बना है तो उसके तीसरी का भाव होगा और एक का भी अभाव नहीं हो किसी के तो उसके तीन का हो सकता है, वो हो ही ये जरूरी नहीं है, वो उससे नियम नहीं है कि वो महाव्रत लेते ही उसके तीन कषाय चौपड़ी का भाव हो जाता है, महाव्रत लेने के बाद यदि वो अपने स्वरूप में लीन होता है तो उसके तीन कषाय चौपड़ी का भाव होता है, वो सम्यक दर्शन सहित अपने स्वरूप की लीनता से तीन कषाय चौपड़ी का भाव होगा, यदि उसके सम्यक दर्शन ही नहीं है तो एक कषाय चुपड़ी का भी अभाव, हाँ अपन ने लिया अनंत भाव, इसमें इसमें आएगी छेड़ालन आगे
मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना शुक्लेश न पाए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। इसमें आएगा चढ़ा लग क्या, क्योंकि हमने कितनी बार अनंत बार मनुष्य बने, हम अनंत बार पंच परावर्तन में और अनंत बार मनुष्य बन के हमने स्वयं ने अनंत बार निर्दोष व्रत धारण किया। हमने अपनी बात करें तो दूसरी, परंतु हमने मिथ्यात नहीं छोड़ा, अपनी उल्टी मान्यता नहीं छोड़ी, परधर्म में ममत्व नहीं छोड़ा। परधर्म में ममत्व कोई मतलब कोई पद स्वीकार करने से परधर्म का ममत्व नहीं छूट जाता। परधर्म का ममत्व तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से छूटता है, वस्तु स्वरूप समझने से छूटता है। वस्तु स्वरूप क्या है, सात तत्व का स्वरूप समझेगा तो सात तत्व की भूल मिटेगी। सात तत्व की भूल कोई चीज धारण कर ली हमने, समझ लो कितने उपास करो उससे मेरे सात तत्व की भूल मिल जाएगी। कितने व्रत करो, कितनी चीजों का त्याग करो, तो वो तो सात तत्व की भूल तो सात तत्व को समझने से ही मिटेगी। तो भाव परिवर्तन तो वो तो यदि कदाचित तीन कषाय का हो भी जाए भाव, तो तीन कषाय का भाव तो परमानेंट नहीं है। वो जो छठा सातवा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान से पुनः पहले जा सकता है और फिर पुरुषार्थ करके फिर पहले से सातवें भी जा सकता है। दशा मुनि दशा ही मानी, हाँ दशा वही रहेगी। और यदि बाल में परिग्रह नहीं है तो पूज्य ही रहेंगे। यदि बाल में बहिरंग परिग्रह नहीं है, अंतरंग परिग्रह उनके तीन कषाय आ गई नहीं आई है, यदि स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि भाई अंतरंग ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन होने पर अनेक अवस्था बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहिरंग में परिग्रह है, बहिरंग में स्थूल कषाय है, स्पष्ट है कि अभी वो दशा नहीं है। मैंने बाहर में परिपूर्ण वीतरागता होने पर भी अंतरंग में वीतरागता न हो यह संभव है, लेकिन बाहर में यदि वीतरागता नहीं है तो निश्चित रूप से अंतरंग में वीतरागता नहीं है, ऐसी व्याप्ति है। क्या मतलब, इसलिए कोई, क्योंकि उसकी सबसे पहले तत्व संबंधी भूल मिटनी चाहिए। सात तत्व संबंधी भूल जब तक नहीं मिटेगी तब तक ये जीव कोई प्रतिमा अंगीकार कर ले, अनुव्रत अंगीकार कर ले, महानव्रत अंगीकार कर ले, गुणस्थान परिपाटी से वो पहले गुणस्थान वाली वृत्ति कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। करणानियुक्त कहता है इसकी कोई प्रोग्रेस नहीं, चरणानियुक्त कहता नहीं अभी मिथ्यात् के अभाव की प्रवृत्ति कर रहा है, इन करणानियुक्त कहता है अभी वहीं का वहीं है। पात्रदान तो यदि बहिरंग परिग्रह नहीं है तो दान जो होता है वो बाहर से लक्षण से होता है, दान व्यवहार है, इसलिए दान व्यवहार होगा तो व्यवहार से यदि वो मूल गुणों का पालन करता है, यदि बहिरंग परिग्रह नहीं है तो पात्र है क्या, और क्योंकि दान से अपने आप में व्यवहार है। हाँ बाहर की जो चीजें हैं वो भी नहीं होगी तो फिर वो पात्र के योग्य नहीं होगा, क्योंकि फिर यदि उसको पात्र मानेंगे तो फिर अन्य जो थोड़ा और परिग्रह रखा उसको ही पात्र मानने का प्रसंग आएगा। उसने क्या बिगाड़ा, उसने थोड़ा और रखा तो धीरे धीरे करती करती गाड़ी वो अन्य मत में चल जाएगी। इसलिए एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी ना अपने को, नहीं परिग्रह होगा तो पात्र नहीं है, परिग्रह नहीं है तो पात्र। परिग्रह एक सिद्धांत है, क्योंकि परिग्रह का त्याग महाव्रत होता है, परिग्रह का परिमाण नहीं होता। मुनिराज के परिग्रह के त्याग रूप महाव्रत होता है, वो गृहस्थ है, छुल्ला केला गया तो परिग्रह का परिमाण, उनके परिग्रह का उनका भी त्याग है उसको छोड़ के, और अनुव्रति है तो उसने परिग्रह का परिमाण किया, क्योंकि अनुव्रति भी दान का पात्र होता है। आहार वगैरह जैसे कोई है अतिथि समिभाव में तो वो परिग्रह का परिमाण भी किया है तो भी वो ठीक है, मध्यम पात्र है। जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि, उत्तम पात्र है मतलब तो पात्र माने उसने यदि परिग्रह का त्याग रूप महाव्रत अंगीकार किया है और फिर यदि परिग्रह है तो इसका मतलब उसने भगवान जिनेन्द्र के लिए हुए व्रत को भंग किया। भगवान जिनेन्द्र की जो प्रतिज्ञा थी, भगवान जिनेन्द्र की जो आज्ञा थी, उसने उस आज्ञा का लोप किया। यदि परिग्रह सही थे तो परिग्रह सही तो कहा उन्होंने धन अंबर ते स्नेह, कोई परिग्रह कह रहे वो कुगुरु कह रहे हैं, धन अंबर से स्नेह कुगुरु है तो धन अंबर वाला तो कुगुरु वही ना। यदि अंबर वाला भी मतलब वस्तु सहित वाला भी कुगुरु नहीं होगा तो कौन कुगुरु होगा, धन वाला भी यदि कुगुरु नहीं होगा तो कौन कुगुरु होगा। धन और वस्तु तो स्पष्ट में परिग्रह ही, उसमें क्या संदेह। दस प्रकार का कोई परिग्रह है, स्पष्ट परिग्रह है, मैंने ये तो
तिल तुष मात्र का मना कर रहे हैं, फिर दूसरी चीज की तो क्या बात करें, मोबाइल फोन है या कोई भी चीजें हैं, सब चीजें क्या? क्योंकि शास्त्र में उस पद नहीं लेने का कोई तबड़ा दंड नहीं है, लेकिन कोई व्रत लेवे और फिर व्रत लेके उसको भंग करे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप ज्यादा है। और वो दूसरा है कि भगवान जिनेन्द्र की जो तुम आज्ञा है, उनकी जो संविधान है, उस संविधान को तुम भंग कर लो। उन्होंने संविधान बनाया है इस पद के योग्य ये चीज होती है। तुमने स्वयं ने भगवान जिनेन्द्र की साक्षी में व्रत लिया ना, पंच पूरी विधि होती है उसकी, पंच महाव्रत अंगीकार करने की विधि होती है। तो वो विधि अपन इसलिए सबके सामने करते हैं कि भाई इतने लोगों की साक्षी में जो चीज नियम लिए जा रहे हैं तो आदमी उसको तोड़ने के पहले उसका विचार करे, भंग करने के पहले उसको 10 बार सोचेगा। जैसे शादी अपन 1000 लोगों की साक्षी में कराते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी बाद में कुछ गड़बड़ करेगा तो 10,000 जनों को बुला के खड़ा कर देंगे, देखो तुमने ये सब काम किया था और अब क्या करो। ऐसे ही वो हमने इतने लोगों को बुलाया और हमने बुला के वो व्रत दिलाए, भगवान जिनेन्द्र की साक्षी भी दिलाए, और तुम यदि उस व्रत को भंग करोगे तो इसका मतलब भगवान जिनेन्द्र की श्रद्धा नहीं रही। भगवान जिनेन्द्र का जो मार्ग था उस मार्ग का पालन नहीं करे तो मार्ग की श्रद्धा कहाँ है? लिए हुए व्रतों को भंग करना हमारा तुम्हें कोई भंग भय नहीं है। व्रतों को भंग करने का मतलब ये है कि हमें न पलभव का भय, न पाप लगने का भय, न हमें किसी बात का भय, कर्म मत का भय भी नहीं। कोई भी चीज है मतलब परिग्रह तो कोई भी वस्तु जो है वो कोई भी चीज है। शास्त्र में तो उसको परिग्रह का तो वो इसलिए पहले वो दिखाई नहीं देता, जैसे जिसके अंग में कोई दिक्कत होती है शारीरिक अस्वस्थता हो तो उसको व्रत दिया ही जाता, बाद में जो समाधि लेते हैं। इसमें शास्त्र में नियम ही यदि भोजन नहीं दिखता हो अपनी आंखों से तो वो फिर समाधि ही उसका है, वो कोई उपाय नहीं, या फिर वो मुनि व्रत छेदना पड़े ऐसे शास्त्र में प्रसन्न। वो उस अवस्था में वो काम नहीं कर सकते, वो व्रत छेद दे जैसे समझ लो कोई रोग आ गया, तो रोग आ गया तो वो आचार्य परमेश्वर की आज्ञा से स्वयं उस व्रत का छेद कर दिया, मतलब वो ग्रस्त अवस्था अंगीकार कर और फिर वापस से वो रोग आदि दूर होने पर राजी से उसको, परंतु वो उस भूमिका में रहकर वो काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक उदाहरण है वो उनका भरत है, वो आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान के साथ में 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली, अब वो समझते थे नहीं कुछ, उन्होंने कहा हमारे महाराज ने जो काम किया हम वही करें। तो उन्होंने 4,000 राजाओं ने जब दीक्षा ली तो वो आदिनाथ भगवान तो ध्यानस्थ हो गए, 6 महीने तक वो अपने स्थान से हिले नहीं, उन लोगों का धैर्य टूट गया। इतने एक दिन जब कुछ नहीं खाया कोई बात, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, प्यास लगने लगी, क्या करें, महाराज के पास धीरे से अपना चेहरा दिखाया, चलो वापिस क्या? तो वो क्या, वो तो अपने ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने कहा ठीक है उनके चरणों के निकट आगे बैठेंगे इनका ध्यान खुल जाए, खुला ही नहीं उनका ध्यान। और फिर उन्होंने देखा अरे तो अपन ये तो उठ ही नहीं रहे और ये तो अपने ध्यान में लीन है, लेकिन हम तो मर ही जाएंगे सर ऐसे, तो क्या करें, वापिस नगर चलें, वापिस नगर चलेंगे तो लोग कहेंगे तुम उनको छोड़ आया क्या जंगल, और राजा दंड देगा भरत इनका पुत्र, तो वापिस जाने का भी भय, तो क्या करें, वहीं जंगल में उसी अवस्था में नग्न अवस्था में वन के कंदमूल खाने लगे, वन के जो फल आते थे भक्षण करने लगे, जो पानी था नदी का वंचना पानी पीने लगे। तो तब ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि तुम ये वेश छोड़ो और फिर इस वेश को छोड़कर जो भी तुमको करना हो करो, लेकिन यदि इस वेश में ही काम करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। इसमें दिया देखो तो देखो पेज नंबर निकालो 186 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, देख लिया नहीं देखा, इसमें पेज नंबर 186 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ है देखो,
देखो आदिनाथ जी के साथ 4000 राजा दीक्षा लेकर पुनः भ्रष्ट हुए। जब देव उनसे कहने लगे तब देव उनसे कहने लगे, क्या कहने लगे, जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे, जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो। इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य है, वंदन आदि योग्य कैसे हो। क्या लिखा है वो उस पद की है ना, वो तो भगवान जिनेन्द्र है, वो साक्षात भगवान जिनेन्द्र में कोई अंतर नहीं है। तीन लोग के नाथ है, चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते सिद्ध हैं, तो चलते फिरते सिद्ध की गरिमा रहेगी। क्योंकि ये जीव पंचम गुण स्थान भी होवे, उसका चतुर्थ भी होवे तो मोक्ष मार्गी हो, और वो नहीं होवे और वो व्रत आदि संभव है तो वो तो अनंत संसार का पात्र है। और दूसरी बात, परिग्रह रखने के लिए कोई बात थोड़ी नहीं करता, ये तो हम अपने विलासिता के लिए, अपने साधन के लिए रखते हैं। मैं कहता हूँ जिनवाणी भी इतनी बड़ी बोली है तो जिनवाणी भी रखना, चलो वो तो कोई अपने ज्ञान ज्ञान के लिए काम आएगा, लेकिन अब जिनवाणी के अलावा और भी बहुत चीज है। और वो इसीलिए मानो उन्होंने जिनवाणी कई सीधे वहीं से किया है। अब तो इस काल में तब क्या कहो, अपन सब तो चीज चालू हो गई, मोबाइल फोन न ये न वो न, और लोग उसका समर्थन भी करने लगे कि ये तो सब चीजें जरूरी है आजकल के टाइम। मैंने जरूरी है, कल से भी कह दो स्त्री भी जरूरी है आजकल के टाइम, मकान भी जरूरी है, निवास भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है। ये इसकी क्या रहा है, ऊपर से ही रहे अंदर से सब कुछ वही तो वही बसा हुआ। जब नहीं कहा तो कुछ नहीं कहा, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं ना भाई, हमें समझ लो एक दूसरे से संपर्क करना था, फोन रखेंगे, तुमने संपर्क सब काट लिए संसार से, तो मतलब ही नहीं, किसकी जरूरत है। आर के लिए सही सही, और बाकी अपने सोच के लिए कमंडल है, संयम के लिए पीछे। इसके अलावा तीसरी वस्तु की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती, हाँ यदि भीड़ मिलवानी हो, सब करवाना हो तो सब चीज चाहिए, अन्यथा तो कोई आवश्यकता ही नहीं। कल बिहारी बताया कि संग में बिहारी बताया, वो तो वो दो तो बताइए दो बार, वो तो अपन ने उसमें संयम प्रकाश में आई ना संयम तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। अभी तो ये है कि इतना भी हो तो वो नहीं है, देखो अपन साथ से अपन वहाँ आ जाओ ऑफिस से, साथ से अपन एक 199 ना देखो 179 सो यहाँ देखो। अब इसके बाद में और देखो क्या है, इसके बाद में चौथा पैराग्राफ लोगों की अज्ञानता, तो देखो आया लोगों की, आया लोगों की अज्ञानता, तो देखो कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं, उनका मुनि की मुनिवत मुनि की तरह सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में तो कृतकारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसे ही फल लगता है। और देखो मुनि पद लेने का क्रम क्या है, आगे मुनि पद लेने का क्रम तो यह है, पहले तो तत्व ज्ञान होता है, सबसे पहले तत्व क्या ज्ञान हो, सात तत्व का क्या है, उनका स्वरूप वस्तु स्वरूप क्या है, छह द्रव्य क्या है, सात तत्व क्या है, पंचास्तिक क्या है, फिर क्या हो पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, किससे उदासीन, संसार शरीर भोगों से एकदम वीतराग, अत्यंत तीव्र वैराग्य, और फिर परिश्रम आदि सहने की शक्ति होती है, परिश्रम सहने की, मच्छर काटे, गर्मी होए, सर्दी होए, भूख प्यास सब सहने की शक्ति होती है, उसमें आक्रोश वध आक्रोश परिश और वध परिश और कौन कौन से देखो छूत छुरा तुषा याचना मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन निंदा, ये सब परिश्रम उनके परिश्रम, माने कोई उनकी कितनी निंदा करे तो इसको सहने की शक्ति, सहनशील, पूरा तीन लोग मारने आ जाए सहनशील, वध परिश्रम होता वध माने, वध माने मारना, तो कोई वध भी करने आ गए तो भी उसके प्रति सहनशील होते, मतलब उसके उसके ऊपर क्रोध नहीं करते, परिश्रम सहने की शक्ति,
कोई कुछ भी करे, मैंने कोई यदि यदि चक्कू लेके मारने आ जाए, कोई तलवार से मारने आए, परिश्रम सहने की शक्ति, मैंने वो पहले विचार करे कि मेरे में इतनी सहनशीलता है कि नहीं, भूख लगे, प्यास लगे, ठंडी हो, गर्मी हो, पाँव में रास्ते में काटे हो, कोई कोई वो दंश वशक माने कोई पिच्छू काट जाए, नग्नता आलती स्त्री चर्या, और तो कोई लोग में कोई निंदा करे कि ये मार्ग बिल्कुल खराब है, ऐसे हैं, ये नग्न रहते हैं, ऐसे अनेक कारण मिले हो बस, क्योंकि देखो ये तो एकदम ऐसा है, ये कारण तो पक पक पे मिल ही सकते हैं, कोई भी लोग में तो समझते नहीं, कोई बालक निंदा कर दे ये क्या है, ये क्या है, तो वो उस परिश्रम को सहने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, नहीं तो घबरा के छोड़ दे। 22 परिश्रम सहते ना, ये सब परिश्रम के नाम याद है, 22 परिश्रम सहते, किसी को याद है अपना नाम बताओ, किसको नाम था, रोग हो जाए, रोग शरीर में भीषण रोग हो जाए, सहने की सामर्थ्य, लाभ नहीं हो, भिक्षा का लाभ नहीं हो, सहने की सामर्थ्य, याचना नहीं करे, मल हो गए शरीर उसको सह, सत्कार कोई सत्कार नहीं करे, पुरस्कार नहीं दे, कोई माने नहीं कुछ, बल्कि वो निंदा करे, कोई अज्ञानी कह के भी निंदा करे, अनेक दिनों तक होने के बाद में इतनी तपस्या करा फिर भी कोई वृद्धि प्रकट नहीं हुई, तो ऐसा इस प्रकार का मन में भाव नहीं आया, मतलब ये सब परीक्षा आदि सहने की शक्ति होती है, और तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है, वह स्वयं होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। देखो यह कैसी है, ये हुआ, इसके बाद ये है पूरी विधि, पहले क्या हुआ, सबसे पहले तत्व ज्ञान, पश्चात उदासीन परिणाम, पश्चात परीक्षा सहने की शक्ति, और पश्चात तब वह स्वयं ही मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। ये कैसी विपरीतता है कि तत्वज्ञान रहित, तत्वज्ञान का ठिकाने नहीं है, तत्वज्ञान रहित विषय कषाय आसक्त, मैंने जिनको पंच इंद्रिय के विषयों की लालसा है, कषाय की भी मिट्टी नहीं, कषाय विषय कषाय आसक्त जीवों को माया से, छल कपट से, वह लोभ दिखाकर तेरे को ये पद मिलेगा, मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है, और पढ़ना उसकी बहुत है इसमें, क्या ये सब व्यवस्था करके गए, पहले वाले जितने भी लिखे गए ना, सब लिखे गए, स्वाध्याय करते हैं आजकल के लोग, बाकी चर्चा हम कल करेंगे।